अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लोग बच्चों को लेकर आए थे एम्पोरियम मॉल में, और मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा ज़िद लगाई हुई थी कि हम लोगों ने वीकेंड पे जो है वो लेकर जाएं हमें एम्पोरियम मॉल में। और आज मैं जस्ट जो है ना बच्चों को राइड्स देने के लिए आई थी, क्योंकि आज मैं शॉपिंग के लिए नहीं आई थी। हाँ, दो तीन जो है वो ब्रांड्स में मैंने चक्कर लगाया था, जैसे कि सना सफीनाज और मारिया बी वगैरह में। मैंने सोचा कि कहीं कुछ ना कुछ शायद कुछ रेडीमेड जो है वो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मैं कुछ भी नहीं ढूंढ सकी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फ़िश खाने आए थे, जो कि हमारे घर के पास ही हैं। और दो शॉप्स, तीन शॉप्स जो हैं वो इकट्ठी बनी हुई थी, और दोनों शॉप से जो है ना हम लोग ने हाफ हाफ केजी मंगवाया था, क्योंकि एक भाई कह रहे थे कि हमारी ट्राई करें, दूसरी भाई कह रहे थे हमारी ट्राई करें। और इस तरह हम लोगों ने दोनों से लेकर फ्रेश ट्राई की, ताकि जो है आइंदा पता चल सके कि किसकी अच्छी है और किसकी नहीं। और उसके बाद फिर मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ शवारमा की रेसिपी। और ये बहुत सिंपल है, वैसे तो सबको आती होगी, और यूट्यूब जो है वो भी सारा भरा हुआ है रेसिपीज़ के साथ, लेकिन मैं जस्ट जो है सिंपल सी आपको बता देती हूँ कि इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं और क्या वेरिएशंस कर सकते हैं। चिकन को आप जो है चाहे तो मैरिनेट करके रख लें, और अगर मैरिनेट नहीं करना तो जस्ट आप सौते करके गार्लिक को ऑयल के अंदर उसमें चिकन डालें, और उसके बाद उसके अंदर सारी स्पाइसेस। और सैलेड में आप कुछ भी वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे मैंने बंद गोभी और गाजर को हल्का सा सौते कर लिया था, और उसके बाद इसके अंदर जो है साथ मैंने सॉस बनाई थी। सॉस भी जो है वो केचप और मेयोनीज के साथ, और उसके बाद पीटा ब्रेड, और साथ ये देखें मज़े की हमारी जो है ना सैलेड रेडी हो गई। हाँ, और बंद गोभी और गाजर के साथ जो है अगर आप चाहें तो लंबे लंबे से जो है वो खीरे भी काट कर डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा जो है ना वो सैलेड का टेस्ट आता है। तो ये सिंपल सा शवारमा था और बहुत मज़े का था। और हाँ, ये है कि ये हेल्दी होता है, और बाहर का कभी आपका खाने को दिल ना चाह रहा तो हो घर में ही आप अपने बच्चों को इस तरह बना कर दे सकते हैं। शवारमे के साथ मैंने रस मलाई जो थी वो भी घर में बनाई थी, और ये मैंने रस मलाई जो है वो कॉटेज चीज़ के साथ बनाई थी। जैसे कि मिल्क के अंदर आपने लेमन डाला या विनीगर डाला तो फिर उसके अंदर कॉटेज चीज़ बन जाता है, और उसके साथ ही मैंने बॉल्स बनाए थे और उसकी रबड़ी वगैरह बनाई थी, तो ये भी बहुत मज़े की बनी थी। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे जो है ये दो तीन तरीक़ों से बन जाती है रसमलाई, जैसे कि नीडो वगैरह से भी बन जाती है, पाउडर मिल्क जो होता है ड्राई मिल्क, तो लेकिन मैंने जो है वो कॉटेज चीज़ के साथ बनाई थी। और साथ साथ भी मैंने मफिन्स बना लिए थे, क्योंकि रस मलाई जो है वो हमने अपने लिए बनाई थी, और मफिन्स जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे, और उसको ये मफिन्स जो हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं चॉकलेट चिप्स वाले। तो इसकी रेसिपी जो है वो भी बहुत ही इजी है, और ये बहुत ही मज़े के बने थे मफिन्स जो हैं। और मैंने ये मफिन्स जो हैं विदाउट ओवन बनाए थे, और आप आगे जाके देखिएगा कि विदाउट ओवन जो है वो ये मफिन्स जो हैं कितने परफेक्ट बने थे। उसके बाद मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये नेक्स्ट डे जो है मैंने शोरबा बनाया था देसी मुर्गी का, और ये बहुत मज़े का बनता है। कभी कभी इस तरह जो है आप देसी मुर्गी लेकर आया करें और उसको जो है रोटी के साथ खाया करें, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा ताकत होती है शोरबे में। और ये देख सकते हैं आप ये कि मेरे जो मफिन्स हैं वो कितने परफेक्ट नज़र आ रहे थे। उसके बाद रात के टाइम पे हम लोग जो हैं वो यहाँ पे हमारे घर के पास ही पापा जॉन्स जो हैं वो पिज़्ज़ा जो होता है वो उनका ओपन हुआ था रिसेंटली, तो हम लोग इनका पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए आए थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, क्योंकि इनकी ओपनिंग थी, तो इसलिए जो है इनकी डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट एरियाज़ में हैं लाहौर में, लेकिन यहाँ फ़र्स्ट टाइम ओपन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और इनका पिज़्ज़ा जो था वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, और नॉन स्पाइसी में तो कोई फ्लेवर मुझे नज़र नहीं आया। हम लोग ने यहाँ से बाद में भी दो तीन दफ़ा लेकर ट्राई किया, लेकिन हर दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, बच्चे बहुत मुश्किल से ही खा पाते हैं।
हाँ, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े से उनको मुश्किल होती है खाने में, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं वो तो आदी थोड़े हो से। जाते हैं और वो इजीली खा लेते हैं। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।